देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर चार है, हमने यहाँ पे बिंदु ड्रा कर दिए हैं। बिंदु है P -3,10, Q 6,-8। बिंदु P और Q, बिंदु R जो है इनको विभाजित कर रहा है, उसके निर्देशांक -1,6 दिए गए हैं, किस अनुपात में विभाजित कर रहा है यहाँ पर ये ज्ञात करना है। तो यहाँ पर मानना होगा, माना बिंदु R रेखा पी क्यू को के अनुपात 1 में विभाजित करता है। जब भी इस तरीके से किस अनुपात में विभाजित करता है तो के अनुपात 1 हम लोग मान सकते हैं, विभाजित करता है, ठीक है। तो इसको मान लेंगे के और 1 अनुपात, ये हो जाएगा। अब इसके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट हम लोग निकाल सकते हैं। तो एक्स बराबर वाई फार्मूला क्या होता है, m1x2 + m2x1 / m1 + m2, ठीक है। यहां पर एक्स बराबर दिया गया है, इसके कोऑर्डिनेट है -1, m1 हो जाएगा यहाँ पर k, और x2 ये x1 y1 मान लेंगे, ये x2 y2 मान लेंगे। डायरेक्ट भी कर सकते हो इसको, एग्जाम में का टाइम नहीं है तो डायरेक्ट करिए। के x2 कितना हो जाएगा, 6 प्लस m2 हो जाएगा तुम्हारा 1, और x1 हो जाएगा -3। के प्लस 1 इसको हल करेंगे, -1 6k - 3/k + 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको, के -1 हो जाएगा बराबर 6k - 3। यहां पर हो जाएगा 6k, इधर के ले आएंगे आप, -1 + 3 हो जाएगा, तो 7k = 2, यानी k = 7/2/7, ये एक अनुपात आ गया 2/7, ठीक है। यही अनुपात इसमें निकालने को कहा गया है। और अगर हम दूसरा भी निकालना चाहेंगे, y बराबर, अनुपात हमारा फाइंड हो गया, तो इसको लिख सकते हैं, अतः बिंदु R रेखा को 2:7 में विभाजित करेगा। y = दूसरा कोऑर्डिनेट भी निकाल सकते हैं, लेकिन उसकी कोई खास जरूरत नहीं है, क्योंकि अनुपात हमारा फाइंड हो गया, निकल आया।